हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कॉमिक्स लेकर आया हूँ, नागराज की कॉमिक्स। नागराज है ना, क्या कहते हो? फिट्स हमें ही मिलेगा ये ना, ये कॉन्ट्रैक्ट। निश्चिंत रहो जनरल मुटाबे, हमने हर मुट्ठी को गर्म कर दिया है। ये गेम हमको मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सम्मान बढ़ जाएगा और तुम्हारी डिक्टेटरशिप को एक अनऑफिशियल मान्यता मिल जाएगी। हमारी सम्माननीय जूरी ने 2 घंटे की मीटिंग के बाद फैसला ले लिया है। इस बार दावेदारी पेश करने वालों में 3 देशों के मेट्रोज प्रमुख थे। लोगोटो की राजधानी जाम्बिलिया, यूरोपियन कंट्री अरब देश का शहर अल जाहिरा और भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर महानगर। और जूरी की निर्विवाद राय के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि दिसंबर में होने वाले इंटरनेशनल मेट्रो गेम्स का आयोजन होगा भारत के सबसे बड़े मेट्रो सिटी महानगर में। ये कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, उम्मीद है कि हमारी टीम आपके महानगर की धरती पर कोई ना कोई मेडल जरूर जीत कर जरूर आएगी। जरूर, आपकी टीम का महानगर में स्वागत है। तुम नाराज नहीं हुए जनरल? मुझे तो लगा था कि तुम आग बबूला हो जाओगे। तुम्हें मेरी आंखें लाल लग रही है, कानों से धुआं निकलते दिख रहा है। नहीं तो ध्यान से देखो, तूने मेरे करोड़ों डॉलर का नुकसान ही नहीं कराया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जगह बनाने का एक सुनहरा मौका भी मुझसे छीन लिया है। इस हार से मिली बदनामी के कारण मेरी वो छिछालेदार होगी जिसके कारण मेरा सत्ता भी जा सकती है, और ये सब हुआ तेरे कारण, तेरे झूठे वादों के कारण। तुझे सजा मिलेगी और मोटाबे को सिर्फ एक ही सजा देनी आती है, मौत की सजा। मुझे एक मौका और दो जनरल। क्या अभी मेरी बर्बादी में कुछ बचा है? तुम अभी भी दूसरे नंबर पर हो। अगर महानगर 6 महीनों में तैयारी नहीं कर पाया तो ठेका आपको मिल सकता है। सच सच? तो फिर कुछ ऐसा कर कि महानगर में खेल हो ही ना सके और ठेका मिल जाए लोगोटो की राजधानी जाम्बिलिया को। ऐसा ही होगा, क्योंकि सुना है कि महानगर में भ्रष्ट लोगों की कमी नहीं है। ऐसे हर आयोजन के साथ सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, क्योंकि हम कहीं भी रहे, हम भारतीय हैं। करेक्ट मैम, ऐसे आयोजन के लिए जरूरी होता है कि काम सुचारू गति से चलता रहे, कोई विघ्न ना आए, और ये सुरक्षा से संभव होता है। इसीलिए गेम की हर वेन्यू की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट हम स्नेक आई को देना चाहते हैं। और कोई दूसरी मुसीबत आई तो महानगर में नागराज है ना। संजय संजय गुप्ता पेश करते हैं, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। किसी वस्तु की रचना करने में बहुत समय और श्रम लगता है, और नाश करने में सिर्फ कुछ पल और 0 श्रम। इसीलिए विनाश की आशंका हमको हमेशा भयभीत करती रहती है, और इसी आशंका को दूर करने के लिए सुरक्षा का सहारा लिया जाता है। क्या सर जी, अब हमको भी रोकोगे? यह गारमेंट ड्यूटी का ट्रक है, सिर्फ सीमेंट की बोरियां लदी हैं इसमें। स्टेडियम की साइट पर पहुंचाना है जल्दी। ऊपर से ऑर्डर है, महानगर में हर आने वाले वाहन की तलाशी लेनी होगी। मेट्रो गेम्स के मद्देनज़र हाई अलर्ट है, आप लोग कुछ भी करवा लो, मार गरीब पर ही पड़ती है। चुप, तलाशी तो होगी ही होगी, बस 5 मिनट लगेंगे। तो आप बोरियों के बीच में घुस घुस कर तलाशी लोगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं, तलाशी हम नहीं ये लेंगे, नागराज के चेकिंग इंस्पेक्टर। लोग सांप देखकर भागते हैं, तुम लोग सांप नौकरी पर रखते हो, ये तनख्वाह नहीं लेता। जाओ, तुमको क्लियरेंस मिल गई, पर यह सब है क्या? खेल करा रहे हो या युद्ध लड़ रहे हो? इतनी महीन चेकिंग किस लिए? कोई है जो महानगर में मेट्रो गेम्स होने देना नहीं चाहता? और इसका आभास हमको पहली बार तब हुआ जब महानगर के मेन एथलेटिक्स स्टेडियम में रिनोवेशन के दौरान वह हादसा हुआ। घर, अरे ये तो नशे में धुत है, कितनी बास मार रहा है। उसने कुछ खिला दिया, फिर दारू छिड़की है, मैंने पी नहीं है।
शराबी दूसरों पर ही इल्जाम लगाता है। कितना नुकसान कर दिया इसने। ओ गॉड, यहाँ वैसे ही टाइम की मारामारी है और इसने महीने भर का काम बढ़ा दिया। कैसे घुसा ये अंदर? तुम सिक्योरिटी वाले सो रहे थे क्या? एक मिनट, शांत रहे सर, शांत रहे सर। तुम मुझे चुप करा रहे हो, यू दो कौड़ी के? शांत रहे सर। गड़ब, ओके, पर हुआ क्या? स्नेक आई एजेंसी के गार्ड सख्ती करना जानते थे। ट्रक का इंजन बंद हो चुका है, फिर भी टिक टिक की आवाज़ आ रही है। ये बम है, ट्रक में कहीं फिट है। भागो, दूर हटो। अब क्या करे? ट्रक में बम ढूंढे? हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं है। अब बस एक ही रास्ता है। वू वन टू थ्री ब्राम। आ, खतरा टल गया, वरना स्टेडियम को नुकसान जरूर पहुंचता। कमाल है, ट्रक फटा और ऐसे फटा कि यहीं टूट कर रह गया। हाँ सर, वह ड्राइवर सही कह रहा था, यह किसी और की शरारत है। पर किसकी? ओह, क्या हुआ? कल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से के पास एक एसएमएस आया था, किसी आतंकी ग्रुप की तरफ से। उसमें सभी स्टेडियमों को उड़ाने की धमकी थी। हमें लगा कि किसी अंडर कंस्ट्रक्शन गेम साइट पर भला कोई क्यों हमला करेगा, ये जरूर मजाक होगा। एक गलती आपसे हुई इंजीनियर साहब, तो एक गलती हमसे हुई है। अब हम हर स्टेडियम के बाहर एक और रोक बना कर रखेंगे ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ये क्या? सीटों के सपोर्ट वाला एंगल फ्रेम टूट रहा है, पर कैसे? ऐसा एक भी हिस्सा टूटा तो पूरा स्टेडियम ढह जाएगा। अरे, ये सांप तो नागराज के हैं, पर ऐसा क्या हो गया कि नागराज को खुद आने की जरूरत पड़ गई? अरे, ये क्या है? यह तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चुपचाप अंदर आने में सफल हो गया है। शायद इसका इरादा ट्रक के जरिए पहले तुम सबको मारने का था और फिर आराम से स्टेडियम को नेस्तनाबूद करना था। पर तुम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिली है, वरना ये अपने इरादे में कामयाब हो चुका होता। ये गलती हमारी है नागराज, कि ये चुपचाप अंदर आ घुसा, इसलिए इसको बाहर निकालने का काम भी हम ही करेंगे। पर पहले इससे ये जानेंगे कि हमारे खेलों को बिगाड़ना क्यों चाहता है, इसमें क्या फ़ायदा है इसका? मेरा ना कोई फ़ायदा है ना घाटा। लुक छुप का काम तो लीडर का आदेश पूरा करना है, और लीडर ने कहा है कि काम पूरा करो। अरे कहाँ गया? सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। और जो काम को पूरा करने में बाधक बने उसकी उम्र पूरी कर दो। ये क्या? पैरों में तेज जलन क्यों हो रही है? जैसे पैर भट्टी में रखे हुए हो। ओ, हमको यहाँ से जाना होगा, वरना हमारा इच्छाधारी सर्प होने का भेद खुल जाएगा। यहाँ नागराज तो है ही, गार्ड्स को चलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे बिना चले ही यहाँ से दूर जाने वाले थे। अब तू भी मुझे रोकने की कोशिश करके देख ले नागराज, बड़ा नाम सुना है तेरा। आज तुझको पीटकर मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी लुकछुप, पर पहले यह छुपकर काम कर रहा था, पर अब यह भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? अरे कहाँ चला गया? क्या इसमें अदृश्य होने की शक्ति है, या फिर धड़ाक? नहीं, इसकी परछाई नज़र आ रही है, यानी ये अदृश्य नहीं हो रहा है, बल्कि ये गिरगिट की तरह अपनी त्वचा का रंग बदल कर अपने आप को आसपास के परिवेश में मिक्स कर रहा है। तब तो इसको काबू में करना आसान है। मेरी विष फुकार इसको पहले भी बाहर आने पर मजबूर कर चुकी है, अब तीव्र फुकार इसके होश ही बाहर निकाल देगी। मैं यहाँ पर आने से पहले ही विष लहरी बूटी का सेवन कर चुका था, जो हर विष का काट होती है। मुझे तो बूटी ने बचा लिया, पर अब तू घोल जड़ी के वार से बचकर दिखा। ये 2 मिनटों के अंदर तेरे सांपों को गलाती हुई तेरे दिल तक पहुँचेगी, और फिर तेरे दिल के नाजुक ऊतक मक्खन की तरह गल जाएंगे। दिल खत्म, इंसान खत्म। उफ, ये कैसी अद्भुत जड़ी है। इसको अपने शरीर से अलग करना होगा, और यह काम पानी करेगा। यह जड़ी को अपने अंदर घोलकर मेरे शरीर से अलग कर देगा, या इसका असर इतना कम कर देगा कि मेरे सरप मेरे घाव फिर भर सके। मैं सही था, घाव तेजी से भर रहा है। बादल आ गए हैं, अब इसकी परछाई भी नहीं दिखेगी। अब मैं अपनी दृष्टि को इंफ्रारेड विजन पर सेट करूंगा,
उसी स्तर पर जिस स्तर पर सर्प अपने दुश्मन के उष्मा रूप को देखते हैं, और इस दृष्टि से लुक छुप नहीं बच पाएगा। पानी इसके पास मौजूद किसी भी जड़ी को या तो घोल लेगा या फिर बहा ले जाएगा, और इसके बाद मैं इसको आराम से काबू में कर लूँगा। अब बता, किसने भेजा है तुझे? कौन है वह महानगर और हिंदुस्तान की जान का दुश्मन? बता, वरना 11,000 वोल्ट का यह स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज तुझे बहुत तकलीफ देगा। बस कुछ ही पलों की बात और है नागराज, फिर मैं मरूं या बचूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ओह, ये क्या? नागराज ने अपनी दृष्टि को इंफ्रारेड लेवल पर लाकर अनजाने में ही एक सही कदम उठा लिया था। चारों तरफ के स्टील गर्डर्स के बेस आग से दहक रहे हैं। अब स्टेडियम को गिरने में कुछ ही पल है। इसको गिरने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तुझे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और इस स्टेडियम को तेरे जैसी ताकत गिरा नहीं सकती। नई महाशक्तियों से युक्त नागराज के सर्पों में भी अद्भुत शक्ति दिखाई दे रही थी। स्टेडियम का पूरा भार वे अपने शरीरों पर झेल रहे थे। कमाल है नागराज, ऐसा दृश्य देखने की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब इन गर्डरों की मरम्मत करने में हमको 2 दिनों से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और इसकी जबान खुलने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं जिंदा रहा तो जबान खुल ही जाएगी, और जबान खुली तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। इसलिए अगर मुझे मरना ही है तो तुमको मार कर मरूँगा, और तेरे मरते ही तेरे शरीर के ये नाक भी मर जाएंगे जो स्टेडियम को सहारा दिए हुए हैं। तेरे शरीर में अगर विष है तो मेरे शरीर में रक्त की जगह विष की काट विष लहरी दौड़ती है। ये तेरे शरीर के विष को काट देगी और तू मर। मेरी खाल सूख क्यों रही है और तुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे शरीर में अब वो आम विष नहीं है जो विष लहरी से नष्ट हो सके। मेरा विष अब रेडिएशन युक्त विष बन चुका है, और इसका तुम पर क्या असर होगा मैं खुद भी नहीं जानता। उफ, ये क्या हुआ? तुमने हमारे शहर और देश की नाक को कटने से बचा लिया नागराज, पर ऐसी ओछी हरकत किसकी हो सकती है? मेरा सीधा शक हरकत उल रहीम पर जाता है। हो सकता है, पर लुकछुप आतंकवादी नहीं लग रहा था। हमारे यहाँ आतंकवाद आसपास के क्षेत्र से आता है, पर लुकछुप उस क्षेत्र का नहीं था, और उसको प्राकृतिक जड़ी बूटियों की अद्भुत जानकारी थी। मुझे शक है कि वो अफ्रीका के जंगलों से था। नागराज, हमारी किसी अफ्रीकन देश से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लुकछुप अफ्रीकन मूल का था, उसका इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है। हमको अब और अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमको हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग और बढ़ानी होगी। बस तब से पूरे महानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तो चाहे मंत्री की गाड़ी हो या मुख्यमंत्री की, नागराज के सांपों की चेकिंग के बगैर अंदर नहीं आ सकती। ऐसे किसी महाआयोजन में सिर्फ सुरक्षा ही एकमात्र मुसीबत नहीं होती है, बल्कि कई अनजाने मुद्दे भी स्थिति को और जटिल बनाने में सहयोग देने लगते हैं। जैसे लोगों की जरूरत से ज़्यादा देशभक्ति। भला हो शारदा देवी जैसी दयालु और राष्ट्रभक्त महिला का, जो मजदूरों को राजाओं जैसा खाना खिलाती है। अरे, ये सब मेट्रो गेम्स का कमाल है। हम मेट्रो गेम्स पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी राष्ट्रभक्ति टपक रही है, वरना यह मूंगफली का छिलका तक ना दे। इस खाने के चक्कर में कई मजदूर मेट्रो गेम्स की साइट पर कम पैसों में काम करने को तैयार हैं। ऐसा खाना खाने की आदत तो हमें है नहीं। जब से खा रहे हैं नींद बहुत आती है, बदन थका थका रहता है। इस समस्या को ऊपर तक महसूस किया जा रहा था। मिस्टर घोष, हम डेडलाइन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मजदूर तो हमने पहले ही जरूरत से ज़्यादा लगाए हुए हैं। पता नहीं सर, पिछले कुछ दिनों से मजदूरों के काम करने की गति स्लो हो गई है, शायद वे थक रहे हैं। तो उनकी जगह नए मजदूर भर्ती कीजिए। ओहो, मेट्रो गेम्स की पुल साइट पर तैनात स्नेक आई गार्ड्स का मैसेज आ रहा है। हाँ बोलो, मेट्रो गेम्स की हर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों ने दंगा कर दिया है, और यहाँ स्विमिंग पूल की साइट पर तो पुराने मजदूर और नए मजदूरों में मारपीट हो रही है। हम सबके सामने ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। उफ, ये तो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं।
इनको रोकना होगा। बस ये सब क्या हो रहा है, हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। मैनेजमेंट हमको निकाल कर नए मजदूरों की भर्ती कर रहा है। मर जाएंगे पर काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति हर उस साइट पर है जहां पर काम धीमा होने के कारण नए मजदूर रखे गए हैं। अब आप सब शांत हो जाए, मैं मैनेजमेंट से बात करके आपकी समस्या का हल ढूंढूंगा। ये मजदूरों की दादागिरी है नागराज, वे अपेक्षित गति से काम नहीं कर रहे हैं। पर हमको तो समय पर काम पूरा करना है ही ना। अगर काम धीरे चल रहा था तो अब मजदूर क्यों बदले, पहले क्यों नहीं बदले? क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक हफ्ते से हो रही है। अगर नए मजदूरों को किसी बिल्कुल नई साइट पर लगा दें। बाकी रही काम तेज करने की बात, तो मैं आपको मजदूर ला कर दूंगा, ऐसे मजदूर जो स्वेच्छा से कार्य करेंगे बिना किसी वेतन के। हैं, ऐसे मजदूर होते हैं क्या? नेकी और पूछ पूछ मंजूर है, होते हैं, आपको मंजूर है? और फिर फ्री के मजदूर, वो तुम कहाँ से लाओगे? जहाँ से गार्ड्स लाया हूँ। पर इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही फ़ायदा है सोडांगी। पहला, मजदूरों का झगड़ा खत्म, काम शुरू। दूसरा, अपने नाग वर्कर्स डबल काम करेंगे। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, मजदूरों के बीच में रहकर वे यह पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र तो नहीं है। गुड। अरे अनाड़ियों, तुम तो अंदर कर लो। चलो दोस्तों, एक छोटी सी समस्या एक मामूली से प्रयास से सुलझ गई थी और बड़ी समस्याओं के लिए रास्ता साफ कर गई थी। हम तो आपकी कंपनी के 49% शेयर खरीदने ही आए थे मालवानी जी, पर अब हम आपको सिर्फ 250 करोड़ ही दे पाएंगे, 350 करोड़ नहीं। कैसी बात कर रहे हैं ब्रेड फ्रॉड साहब? हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में से एक है। हमारी हाफ वैल्यू 400 करोड़ से कम नहीं है। हम तो सिर्फ 350 करोड़ ही कह रहे हैं। वैल्यू है नहीं, थी। पिछले एक महीने में आपका प्रॉफिट 20% गिर गया है। वो तो टेम्परेरी है जी। अभी हमारे 700 ट्रक मेट्रो गेम के कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। गेम्स होने तक तो आपकी कंपनी बैठ जाएगी। ऐसा कैसे? देखिए, अभी आपके ट्रक बाहर से माल लाने में महीने में 4 के बजाय सिर्फ 2 चक्कर काटते हैं। सिक्योरिटी के कारण हर ट्रक की 10-10 पॉइंट पर तलाशी होती है। तलाशी ना हो तो आप ज़्यादा चक्कर लगाएंगे और आपको कम ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ट्रक फ्री हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये तो सही है भाई, हम कोई चोर चोट्टे थोड़े ही हैं। बाकी ट्रक वालों का भी तो नुकसान हो रहा है। जो ट्रक गेम्स में नहीं लगे हैं उनका ज़्यादा हो रहा है। चेक पॉइंट पर लंबी लाइनें लग जाती हैं, दूध सब्जी खराब हो जाते हैं, ट्रकों के चक्कर लगातार कम हो रहे हैं। आप समझ गए, बस गवर्नमेंट को ये समझाइए, गवर्नमेंट को ये समझाइए कि आप लोग चोर नहीं हैं। उनको ट्रकों की चेकिंग बंद करनी पड़ेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो ना समझे तो हड़ताल, माल आएगा नहीं और सरकार बिल बिलाएगी। मांगे मानने के अलावा उनके पास चारा ही क्या होगा? बोलो। हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं, आप 350 करोड़ का चेक तैयार रखो। आप 2-3 दिन रुके रहना सर, डील फाइनल करके ही जाना। ओके, आई विल। यस लीडर, असर हो रहा है। आपका कहना सही था, जब तक हम गेम पर डायरेक्ट घूस खिला रहे थे तब तक इंडियन राष्ट्रभक्त थे, पर हमारे मेट्रो गेम के मुद्दे से हटते ही हमारे चंगुल में आ गए। अब आप बस कुछ दिनों का इंतज़ार करें। गुड, अब महानगर तड़पेगा और कोसेगा मेट्रो गेम्स को। और फिर अगले ही दिन, हम रेट बढ़ाने के खिलाफ हैं मैडम, हम रेट बढ़वाने के लिए नहीं आए। हम तो मैडम ट्रक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते ये कहने आए हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, चोर उचक्के नहीं हैं। हमको बार बार की चेकिंग से बहुत नुकसान हो रहा है, आप ये चेकिंग बंद करवाएं। हमको आप पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास है मालवानी जी, पर ट्रक कई जगह रुकते हैं, कई रास्तों से गुजरते हैं। उनके साथ आपकी जानकारी में आए बगैर भी गड़बड़ी की जा सकती है। और फिर किसी भी ट्रक की चेकिंग में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते,
फिर भी मैडम, इसका असर हमारी परफॉर्मेंस और मुनाफे पर पड़ रहा है। हम देश के काम में अगर मुनाफा नहीं चाहते तो घाटा भी नहीं चाहते। आई एम सॉरी, हम सिक्योरिटी को ढीला नहीं कर सकते, तो हम ट्रक भी नहीं चला सकते। आज से और अभी से ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल है। ओ गॉड, मैं तो हड़ताल पर भी नहीं जा सकती। इस हड़ताल का असर अगले दिन से ही नज़र आने लगा था। ओ लो भैया, 32 रुपये ई का बीबी जी, आज दूध 100 रुपये लीटर है। 100 रुपये लूट मचा रखी है। मैडम जी, ट्रक की हड़ताल है, चाहिए तो लो वरना निकल लो। जिधर देखो लूट मची है, सब्जी में भी आग लगी है, 3 गुने भाव मांग रहा है, कहता है ट्रकों की हड़ताल है, माल नहीं आ रहा है। अरे पर हड़ताल है क्यों? कुछ मेट्रो गेम का चक्कर है। कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो कुछ बता रहे हैं कि ट्रक वाले जांच पड़ताल से परेशान है। हे भगवान, ये मेट्रो गेम के नाम पर कैसी धांधलेबाजी हो रही है। ये सब नेता और जमाखोरों की मिलीभगत है। ऐसे नहीं चलेगा। रोज रोज खर्चे को लेकर घर में क्लेश मुझे नहीं करवाना। मेरे उनके दोस्त एक एमपी के पीए हैं, उनसे कहती हूँ कि कुछ करो। नेता से कहूँगी, नेता जी घाटा कर लो। अरे ये एमपी विपक्ष वाला है, इसे तो विरोध का मुद्दा चाहिए, यानी कि अब महानगर में होगी महंगाई के खिलाफ जंग। मेट्रो गेम्स, हाय हाय, जमाखोरी बंद करो। अरे सीमेंट और रेत के ट्रक अभी तक क्यों नहीं आए? उसे तो कल ही आ जाना चाहिए था। कल रात से ट्रकों की हड़ताल हो गई है सर। सभी ट्रक महानगर की सीमा से बाहर खड़े हैं बिना ड्राइवर के। पर हमारी कंपनी के अपने ट्रक भी तो हैं, वे तो हड़ताल पर नहीं है ना? वे कहाँ हैं? वे जाम में फंसे हुए हैं। शहर में जगह जगह पर जुलूस और प्रदर्शन हो रहे हैं। हद हो गई यार, अभी तो नागराज के भेजे हुए मजदूरों के कारण काम रास्ते पर आ रहा था, अब फिर से पिछड़ जाएगा। अगर समय पर काम का पहला चरण पूरा नहीं हुआ तो मेट्रो गेम की मेज़बानी महानगर से छीनी भी जा सकती है सर। ऐसा हुआ तो देश की नाक कटेगी और हमारी जेब। पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि नागराज है ना, कालाबाजारी करता है। ला ब्रेड इधर दे। पीछे से ही ब्रेड महंगी होकर आ रही है, तो मैं क्या करूं? वापस रख दे, वरना इस ब्रेड में तेरा ही सैंडविच बना दूंगा। शायद तू भूखे बच्चों के बाप की ताकत को नहीं जानता है। पास आकर आजमा ले। हाँ हाँ ये सब क्या हो रहा है? गलती इसकी है, महानगर में ट्रकों की हड़ताल से हर चीज की कालाबाजारी हो रही है। अब मुझे ही माल ज्यादा दामों पर मिल रहा है, तो मैं कम दाम पर कैसे बेचूं? इसके जैसे लोग ही अफवाह फैलाते हैं। क्या बक रहा है हाई? अरे नागराज कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? होश में आओ, जानवर बन गए हो क्या तुम सब? गलती सब्जी वाले की है नागराज। हाँ, हमको गुस्सा इसी ने दिलाया था। परमल और भिंडी गिन गिन कर बेच रहा था, एक भिंडी 2 रुपए की। यानी स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। जरूरी सामानों की कमी के कारण पूरे शहर में ऐसी ही हालत है नागराज। महानगर की सीमा से बाहर जरूरी चीज़ों से भरे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ट्रकों की यह हड़ताल महानगर की स्थिति और बिगाड़ देगी। नागराज के रहते महानगर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हद है यार, ये मालिक लोग कुछ डिसाइड क्यों नहीं कर रहे? कई ट्रकों में तो खराब होने वाले माल लदे हैं, हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे। जाम लगा दिया है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। नागराज पहले आता था तो तसल्ली लगती थी, आज मुसीबत लग रही है। यह आशंका गलत नहीं थी। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग महानगर के निवासियों को परेशान न करें और ये हड़ताल तुरंत समाप्त कर दे। पर हम तो सिर्फ कारिंदे हैं, जब तक मालिक नहीं कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। मालिकों का जो कहना था वो मेयर से कह चुके हैं। अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम ट्रक नहीं चलाएंगे। तुम मत चलाना। पर ट्रक तो चलेंगे, ये तुम नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। ये ट्रक हमारे हैं, ट्रक तुम्हारे हैं, तुमको मिल जाएंगे। पर
पर इनमें भरा हुआ सामान तुम्हारा नहीं है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।